ये कैसे देखिए पेट्रोल टपक रहा है अगर आप देखें तो। उसको मतलब नीचे डाल देते हैं, ये मतलब वो डाइट बंद हो रही थी। हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आ गए एक और नई धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो। तो आज हम एक ही वीडियो में दो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो पहला तो हम क्या करेंगे, इस जो पेट्रोल है इसको इस कढ़ाई में गर्म करेंगे। क्या बोला तूने? और दूसरा जो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि हम इसमें तलेंगे इन पापड़ों को। देखिए तीन तरह के पापड़ है, एक देखिए चिप्स है और एक देखिए आलू का पापड़ है और एक दाल का पापड़ है, जो कि आप लोग भी खाते होंगे। ये दाल वाला पापड़, मैं आलू वाला कम खाता हूँ, बाकी ये वाला ज़्यादा खाता हूँ, और चिप्स। तो इन तीनों पापड़ों को हम इस पेट्रोल में तल कर देखेंगे कि क्या पापड़ तलते हैं या नहीं। मुझे पता कि आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। तो देखिए पहला तो जो होगा कि हम पेट्रोल को गर्म करेंगे, दूसरा हम पापड़ को तलेंगे। तो दो एक्सपेरिमेंट हो गए कि नहीं हुए एक वीडियो में, क्योंकि जो पेट्रोल है वो भी तो एक तेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ कि आप ऐसा कुछ भी कहीं भी ट्राई करने की बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बिल्कुल सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज ट्राई करने की बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसा देखिए, हमने पूरी पूरी पेट्रोल देखिए डाल दी है इसके अंदर, देखिए कढ़ाई के अंदर जितनी हमें डालनी थी, जितनी जरूरत थी उतनी हमें डाल ली है। बाकी देखिए इंडक्शन देखिए चालू है, मतलब चालू मैं अभी कर दूंगा। देखिए मैं बगल से पत्थर लगा दिए, इससे क्या ना कढ़ाई है ना इधर उधर को लुढ़केगी नहीं। पहले हम इस पेट्रोल को गर्म कर लेते हैं, फिर हम इसमें पापड़ डालेंगे। शुरुआत होगी आलू के पापड़ के साथ, ठीक है। देखिए मैं देखिए चमेटा भी ले आया हूँ, इससे हम डाल देंगे। बाकी अब इसको गर्म कर लेते हैं पहले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम इसको एक आर पर गर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कैसी देखिए उबाल मार रहा है पेट्रोल। और आप देखेंगे तो मतलब क्या ना, मैंने स्पीड ज़्यादा खोल दी है, तो अभी ये हिसाब से गर्म हो चुका है। थोड़ी देर वेट करते हैं, जैसे जब पूरी तरह गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें वो डालेंगे पापड़। तो देखिए मैं पहला पापड़ डाल रहा हूँ, देखिए देखिए सही कह रहा हूँ। मुझे पूरा लग रहा था कि पापड़ जरूर तल जाएगा, पर मतलब तला बिल्कुल भी नहीं, हाँ पूरा गीला जरूर हो चुका है। और पेट्रोल देखिए कैसे उबाल मार रहा है। और आप देखेंगे तो पहला तो मेरे हिसाब से पापड़ ये वाला नहीं तलने वाला, क्योंकि आलू का है। क्या बोला तूने? तो हम दाल के साथ ट्राई करते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट। देखिए बिल्कुल भी नहीं तला यार, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है पेट्रोल की यार, सही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो जल्दी जल्दी ट्राई कर लेते हैं जो भी करना हमें। तो अब की बार हम ट्राई करेंगे ये वाला दाल का पापड़। देखिए ये भी नहीं तल रहा यार बिल्कुल ही, मतलब मुझे लग रहा था कि पेट्रोल भी तो एक तेल ही है, तल जाए क्या पता, मतलब ये भी बिल्कुल भी नहीं तल रहा। और पेट्रोल देखिए कितनी कम हो गई यार, और बगल में गैस फैल रही है, और अगर जरा सी भी चिंगारी लग गई ना यहाँ पर, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल मतलब ऐसा धमाका होगा जैसा कि मैं कभी नहीं सोच सकता, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी को किया भी नहीं है ऐसा धमाका। तो पहले हम एक बार ये हमारा ट्राई हो गया है, तो अब हम चिप्स को ट्राई कर लेते हैं एक बार। मैं दूर से करूँगा जो भी करना, क्योंकि बहुत खतरनाक है ये वाला एक्सपेरिमेंट। आपने देखा ही होगा एक बार मिस्टर ने करने किया था, पर उन्होंने पापड़ नहीं तले थे, मैं पापड़ तल रहा हूँ। बात तो सही है। तो हम चिप्स ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गलती से भी अगर कुछ भी हो गया ना, चिंगारी गलती से गिर गई ना, सही पूरे में धमाका हो जाएगा, सब जगह पेट्रोल देखिए बिगड़ चुकी है। अगर आप देखेंगे इस साइड भी और उस साइड भी, और ये ढक्कन देखिए अपने आप निकल गया, क्योंकि क्या है ना कि मतलब फिसल गया ढक्कन अपने आप ही। देखिए दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं हुआ, ये देखिए मेरे चाचा मैंने पापड़ डाल दिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा था कि पक्का पापड़ तल जाएंगे, पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आप ऐसा ट्राई करने को बिल्कुल भी मत करना, सही कह रहा हूँ, बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ। यहाँ तो कोई चिंगारी नहीं है इसलिए तो कुछ नहीं हो रहा, और ऊपर से आप देखेंगे फोक्सा निकला ऊपर। देखिए तो सही कह रहा हूँ, आप ऐसा ट्राई करने का बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यहाँ सही कह रहा हूँ, ऊपर से ही पूरा पूरा फॉग फॉग निकल रहा है और कुछ नहीं हो रहा, बस पूरी मतलब जो सीट है ना पूरी पूरी फैल चुकी है। तो दोस्तों अब हम इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बंद कर दें। तो दोस्तों देखिए ऐसा तो देखिए कुछ देखिए पापड़ वगैरह बचे हैं इसमें, तो पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को बंद करते, नहीं इलेक्ट्रिसिटी बंद करते, अंदर से आके बंद करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, यहाँ से नहीं करेंगे डायरेक्ट। तो दोस्तों देखिए हमने बंद कर दी है, क्योंकि क्या ना कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं बात को, क्योंकि पेट्रोल तो खत्म हो नहीं है, उसको देखने से हमारा कुछ लाभ नहीं है। और अगर आप देखेंगे ना नीचे देखिए पेट्रोल की मतलब कितनी ज़्यादा फैल चुकी है, सही कह रहा हूँ, बहुत सारा पेट्रोल ही पेट्रोल। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मतलब कितनी ज़्यादा पेट्रोल पेट्रोल, देखिए मतलब जो लग रहा है जैसे कि इसने ना लिया पेट्रोल से। और देखिए यहाँ देखिए नीचे भी अगर आप देखेंगे ना तो पेट्रोल पेट्रोल है। तो अगर मैंने एक गलती से छोटी सी चिंगारी भी दे दी ना इसको, तो सही कह रहा हूँ पूरा आग से भड़क जाएगा। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, आप जानते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं पर सेफ्टी के साथ। तो देखिए हमारा पापड़ वाला एक्सपेरिमेंट तो विफल रहा, क्योंकि कोई पापड़ नहीं तला। हमें लग रहा था, सही कह रहा हूँ, मुझे पक्का लग रहा था कि पापड़ जरूर तल जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल भी तो एक तेल था, सास भी तो कभी बहू थी। क्या बोला तूने? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पहले हम इसको पापड़ों को निकाल लेते हैं, पाव पाव निकलता है और कुछ नहीं बचा। देखिए कितनी सारी पेट्रोल देखिए हमने ली थी, पूरी पूरी पेट्रोल खत्म हो चुकी है, थोड़ी सी बची है मेरे हिसाब से, वो भी मुश्किल से 50 ml। और देखिए अब मैं आपको देखिए सनसी से उठा के बताता हूँ मतलब कितनी बर्बादी हुई है पेट्रोल की, सही कह रहा हूँ। अगर मैं इसको भर लूँ ना कटोरी में तो आराम से आ जाएगा, लेकिन मैं आपको भर के दिखाता हूँ एक बार। बाकी देखिए कितना ज़्यादा गीला हो चुका है यार, ये देखिए कैसे देखिए पेट्रोल टपक रहा है अगर आप देखें तो। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको नवाया हो, करिया की जगह इसमें पेट्रोल था, पर फिर भी देखिए मतलब कितना सारा पेट्रोल निकला अगर आपने देखा हो तो, अभी भी टपक रहा है टप 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 टप। तो दोस्तों देखिए ऐसा कुछ होता है,
पापड़ तलेंगे तो ये देखिए अंदर भी जा चुका पेट्रोल, तो पहले हम क्या है इसको अब चलाएंगे नहीं क्योंकि अब दुर्घटना हो सकती है चलाएंगे तो दोस्तों से तो आप ऐसा ट्राई करेंगे बिल्कुल भी मत करना। हम तो क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी सेफ्टी साथ करते हैं, मैंने चमेटा से बबूटा ले लिया था, मैंने चेहरे पर भी हेलमेट लगा लिया था, तो आप ऐसा ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैंने लास्ट तक नहीं वाली वो भी मैं जानता हूँ क्योंकि खत्म ही होना था और कुछ नहीं देखी, 50 मिनट बची मुश्किल से, मुझे कोई लालच नहीं है पर यह कि दुर्घटना हो जाए उससे अच्छा है कि हम कम ही उगा लें। तो देखिए अब देखिए पेट्रोल उड़ना शुरू हो गई है, जैसे मतलब थोड़ी देर में उड़ के अपने आप खत्म हो जाएगी, हमें कोई साफ करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यार हमारे ऐसी धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, वो वीडियो एक के बाद एक इम्प्रूव होती चली जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी सीधी सीधी इंक्रीज होगी, मतलब हम क्वालिटी को हर चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, पर आपको सपोर्ट तो देना पड़ेगा तभी तो कोई छोटा छोटी वीडियो तभी तो बड़े बनते हैं, शुरुआत में बहुत छोटी छोटी वीडियो तभी तो वो बड़ा बड़ी बनाते हैं ना, तो आपको हमें सपोर्ट देना पड़ेगा तभी तो हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, अगर आप सपोर्ट ही नहीं देंगे तो फिर हम बड़ा कैसे करेंगे, समझिए बात को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना किसी भी हालत में।